मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में अक्सा बिल्डर ने टेनेंट को जान से मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि अक्सा बिल्डर के यासुद्दीन और परवेज अकबर और उनके बेटे ने टेनेंट को जान से मारने की धमकी दी है। खड़ी मशीन रोड स्थित अक्सा बिल्डर के गयासुद्दीन और परवेज अकबर ने एक इमारत को रीडेवलपमेंट करने के लिए करीब 7 साल पहले लिया था, मगर अभी तक किसी को भी इसमें घर नहीं दिया गया है। सिर्फ इमारत की जगह पर पत्रे लगाकर रखा गया है, इमारत का कोई काम भी शुरू नहीं किया गया है। करीब 25 टेनेंट ऐसे हैं जिन्हें गयासुद्दीन उन्हें रहने के लिए भाड़ा भी नहीं दे रहे हैं, ऐसा आरोप टेनेंट ने लगाया है। वहीं गयासुद्दीन का कहना है कि सभी को भाड़ा दे रहे हैं और इमारत का इसलिए काम नहीं शुरू हो पा रहा है क्योंकि जो इनके डॉक्यूमेंट है वो ठीक नहीं है, जिस वजह से काम शुरू होने में देरी हो रही है। मगर वही टेनेंट का कहना है कि गयासुद्दीन और परवेज अकबर करीब 7 साल से उन्हें बेघर किए हैं, हर महीने यही कहते हैं कि अगले महीने से काम शुरू होगा, मगर सच्चाई ये है कि अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। क्या कहा है टेनेंट ने बिल्डर के जान से मारने की धमकी देने पर? मेरा नाम हुसैन नूर मोहम्मद है और 7 साल पहले हम लोग ने इसको 2014 में अप्रैल के मंथ में इसको बिल्डिंग हैंडओवर किए थे कि इसने हम लोग को बोला था हम लोग को रीडेवलपमेंट करके देगा और ना 2 साल 9 महीने का टाइम लिया था। 2 साल 9 महीने में इसने बोला था कि हम लोग को रेडी पोजीशन में हम लोग को घर हैंडओवर करेगा, बट इसने हम लोग को आज 7वां साल रनिंग चालू है, ना ही हमको घर हैंडओवर करता है, ना हमको भाड़े देता है, किसी को भी भाड़े नहीं दे रहा है। और इसके ऑफिस के ऊपर जब भाड़े के लिए हम लोग जावे तो कैमरे में हम लोग को देखता है और ऑफिस का दरवाज़ा लॉक कर देता है, लॉक ही नहीं खोलता है। 3 घंटा खड़े रहो, 4 घंटे, इसको कोई एहसास नहीं है कि कितने दिन भी खड़े रहो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जब ये मिल जाता है और इसको बोले भाड़े के लिए तो ये हमको धमकियाँ देता है। और लिहाजा इससे पहले हम लोग ने 4 महीना पहले तकरीबन हम लोग ने उसी साइट के ऊपर हम लोग ने हमारा घर बांधने की कोशिश किए थे, तो हम लोग को बड़ा रिक्वेस्ट करके इसने बोला था कि 1-2 महीना नवंबर तक रुक जाओ तो मैं तुमको तुम्हारे घर भी बना के दे देता हूँ, सीसी भी लेकर आता हूँ और तुम्हारे भाड़े भी दे देता हूँ तुमको। बट इसने नवंबर गया, दिसंबर गया, जनवरी आ गया, जनवरी तक इसने ना सीसी लाया है, ना ये हमको हमारा घर दे रहा है, ना हमारा भाड़ा दे रहा है। और अब इस वक्त हम लोग ने फिर तंग आके सारे लोगों ने सोचे कि भाई हम हमारे घर पर झोपड़ा बना के जगह के ऊपर रह जावे। अब जब हम लोग ने ये काम करने के लिए गए आज दोपहर के टाइम पे, तो इसका परवेज अकबर शेख के लड़का आके औरतों के आंख के ऊपर जा रहा था, उसको कैसा वैसा करके पुलिस आके उसको हटाई। उसके बाद सब मामला चौकी में आया और चौकी में खड़े रह के गयासुद्दीन चोटी, गयासुद्दीन अकबर शेख उसका नाम है, गयासुद्दीन चोटी बोलते, और परवेज अकबर शेख का लड़का। अच्छा, ये गयासुद्दीन चोटी और अकबर शेख ये दोनों अलग अलग है? भाई भाई, दोनों भाई है, भाई है, दोनों सगे भाई है और ना एग्रीमेंट के ऊपर दोनों पार्टनर है। और ना ये चौकी में खड़े रह के बोलता है कि तुम लोग यहाँ से अभी सैफी तक पहुँचेंगे ना तो तुम लोग को जान से मरवा डालूंगा बोले। किसने कहा ये बात? ये गयासुद्दीन अकबर, गयासुद्दीन चोटी ने और उसके परवेज अकबर शेख के लड़के ने। अच्छा, यानी पुलिस स्टेशन में ही धमकी दी? आपके डिटेक्शन वाले साहब के सामने हम लोग को बोलता है कि तुम लोग सैफी तक तुम लोग पहुँचेंगे ना तुम लोग को रस्ते में ही जान से मरवा डालूंगा बोले। और लिहाजा पुलिस ने उसको अंदर बिठा के रखी है और अभी अंदर से भी हम लोग को घूर घूर के यही बोल रहा है के बोले तुम लोग बोले अभी गए बोले मेरे हाथ से, आज तुम लोग का बोले आखिरी दिन। लेडीज लोग को गाली दे रहा है, खुल्ला लेडीज लोग को गालियां दे रहा है, लेडीज लोग के आंख के ऊपर जा रहा है और मतलब जरा कौन लेडीज के ऊपर कौन आ रहा है? हम सब हम लोग जब थे वहाँ पे खड़े हुए तो हमारे ऊपर ऐसा आके धक्कम दुखी करने ऐसा ये कर रहा है कि हमारी जगह है वो तोड़ो नहीं ये नहीं करो, आगे हम लोगों के आंख पे आ रहा है। और अभी यहाँ चौकी में लड़का परवेज का लड़का, और अभी चौकी के बाहर परवेज के लड़के का नाम तो मुझे नहीं पता, उसको तो फर्स्ट टाइम देखे हम लोग, फर्स्ट टाइम आया है जब बिल्डिंग के मैटर में तो वो कभी इससे पहले आया नहीं था, अभी वो फर्स्ट टाइम आया है सामने। और अभी इन लोगों को बोलता है कि तुम लोग सैफी तक भी पहुँचेगे नहीं तुम लोग का काम कर दूंगा ऐसा धमकी। अच्छा, तो जो ये आप लोगों का घर उसमें था, टोटल बताया जा रहा है कि 58 लोगों का घर था और करीब 2014 में आप लोगों ने दिए थे, तो आप लोगों ने उसके पास डॉक्यूमेंट वगैरह सब जमा किए थे रीडेवलपमेंट के लिए जब उसने लिया? सब दिए थे, सब घर के एग्रीमेंट की जीरोक्स वगैरह सब दिए। तो आखिर क्यों नहीं फिर वो बना के दे रहा? अभी तो वहाँ काम भी नहीं चालू है, सिर्फ पत्रे मार के वो रखा हुआ है। हाँ, तो पत्रे बांध के रखा है, काम नहीं, जब बोलो तो बोलेगा 2 महीना 2 महीना 2 महीना। इसकी वजह बता रहा है कि क्यों नहीं दे रहा? बता रहा है ना, हम लोगों से बात करता है ना, हमारे सामने आता है ना, ऑफिस में हम लोग जाए तो हम लोगों को 2-3 घंटा बाहर खड़ा करके रखता है,
सारे के सारे हम लोग जब जाते हैं तो बाहर से अंदर से बोल देगा कि इतने सारे लोग मत आओ, दो तीन जना। जब दो तीन जन जाते हैं तो दो तीन जनों को भी ऐसे ही बाहर खाली सिर्फ खड़ा करके रखता है अंदर, और बाहर से फिर गालियाँ मतलब किसी को भी बोल के कि अभी बिजी है ये वो करके ये कर देता। अभी जनवरी में अगस्त में जब बोले थे कि दो महीना टाइम दो, तो हम लोगों ने इतना जनवरी तक शानू भाई के सामने इनको दो महीने का टाइम दिए थे। तो शानू पठान साथ में गए थे क्या आप लोगों के? तो अभी आज आज अच्छा आज आज फिर शानू पठान से आप लोग मिले? नहीं आज हम लोग किसी से नहीं मिले। अब जो करना है हमको हमारी जगह चाहिए, हमको बस वहाँ रहना है, बस अपना घर चाहिए हम लोग। अभी किसी हमने सबके पास जा चुके, शानू भाई के पास जा चुके, हर किसी के पास, पुलिस चौकी में बहुत बार आए, हर जगह गए हम लोग, लेकिन अब हम लोग को किसी के पास नहीं जाना। हम लोग हमारा वो पत्रे हटा कर हमारा घर बना के हमको बस रहना है बस, क्योंकि हम लोग छह साल से थक चुके हैं यहाँ वहाँ भाड़े भर। जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो उसने जान से मारने की धमकी दी है, तो क्या आप लोगों को दी, सब लोगों को धमकी दी? हाँ सबको ही, सभी तो हम लोग खड़े थे और एकदम गाली बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी और ये बोले कि तुम लोग का इनको दिया इनको भी दिया, सब जिसे जैन से सबको गाली दिया। और उनका बेटा तो सीधा वहाँ पे हमारे आंख पे ऐसा बीच बीच में आ रहा था, उसको इतना नहीं समझ रहा है कि लेडीज खड़े तो थोड़ा मैं आराम से आऊँ, और हम लोग ने मारे और खुद आंख पे आ रहा है ऐसे ये कर रहा है बीच में आ रहा था। और यहाँ अभी सीधा जब उसने गाली दिया लड़के ने और उन लोग तीनों ने मिलके, तो पुलिस वाले पीछे से आ रहे थे, वो सुने तो वो फौरन उसको पकड़ के लेके गए चौकी के अंदर। पुलिस वाले लोग ने उसको पकड़े कि तू गाली क्यों दे रहा है चौकी के अंदर खड़े होके, उतनी उन लोग की हिम्मत बढ़ाई, बोलता है एक केस और ले लूँगा, बोले तुम लोग की विकेट खा जाऊँगा सबकी, बोले किसी को कुछ नहीं दूंगा अब, नहीं हम लोग को हमारा घर चाहिए। वही ग्यासुद्दीन और परवेज अकबर ने जान से मारने की धमकी को गलत बताया है, कहा कि ये जो 25 टेनेंट है उनके डॉक्यूमेंट सही नहीं है और इसीलिए काम शुरू होने में देरी हो रही है और इन्हें हर महीने हम भाड़ा भी देते हैं। क्या कहा है अक्सा बिल्डर के ग्यासुद्दीन और परवेज अकबर ने? 7 साल हो गए हैं जो सैफी बिल्डिंग है इसको आपने जो है बनाने के लिए लिया था, तो आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं आप बनाकर? ऐसा है कि मैं इनको टीएमसी बिल्डिंग बना के दे रहा था और इनके जो टेनेंट्स है इनके पेपर वर्क सही नहीं होने की वजह से इनका टीएमसी में प्लान पास नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी 4 महीना पहले ये लोग ने साइड पे आके तोड़फोड़ किए, जो भी किए ये इनके ऊपर गुना दाखिल हो रहा था, लेकिन बाद में ये लोग ने आके सॉरी माफ़ी मांगने की वजह से मैंने वो गुना दाखिल नहीं किया ये लोग पे, बोला ठीक है चलो जाने दो, लेकिन वो मेरी गलती थी। उस दिन उस टाइम पे मैं इनका गुना दाखिल करता ना तो आज ये नौबत नहीं आती थी। ये लोग सुफियान और ये अख्तर सारंग और ये 6 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने ये करने के बाद भी इनको भाड़ा दिया और 6 महीने का और एडवांस भाड़ा दिया ये लोग को, और ये लोग जो है लोग का आरोप है कि आप भाड़ा भी नहीं दे रहे हैं और आज जो है आज आप लोगों ने उन लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी है। वो तो देखो तो क्या है कुछ भी बोलेंगे आपका बेटा और यासुद्दीन भाई जो है उन लोगों को जान से मारने की धमकी कुछ भी बोलेंगे ना। मेरा वो लोग ने जान मैंने हम लोग ने बोले या वो लोग ने मेरे बेटे को बोले, मेरे बेटे को बुलाता हूँ आप उनसे पूछ लो उन्होंने ऑफिस में क्या बोला उसको नदी मित्रा ऑफिस बंद करके भाई तो मार देंगे क्या बोला उन्होंने? हाँ ये मेरा लड़का है, मेरे को ऑफिस में मेरे को घुस के मेरे को बोलते हैं तू अगर ऑफिस से बाहर निकल तेरे हाथ पैर तोड़ते हैं और तू देख तेरी आँख के सामने हम लोग कैसा तोड़फोड़ करते हैं। तो मैंने उसी टाइम ताबड़तोड़ 100 नंबर पे फ़ोन करके मैंने पुलिस वालों को बुलाया, पुलिस वालों के सामने भी वो लोग तोड़फोड़ कर रहे थे, पुलिस कुछ एक्शन नहीं ले रही थी। इसका मेरा बोलना ये है कि पुलिस के सामने ये चीज़ें सब चीज़ें हो रही थी लेकिन पुलिस ने फिर भी उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया, लाइव टेलीकास्ट चालू था, वो लोग जो तोड़म ताड़ी कर रहे थे, मैंने लाख समझाने के बाद में वो लोग मेरे आंग पे आए मेरे को मारने के लिए, मेरे को फिर पुलिस स्टेशन भेजा गया कि जाके आपका मेरा नाम नदीम परवेज शेख है ठीक है, मेरे को पुलिस स्टेशन भेजा गया। मैं पुलिस स्टेशन आने के बाद में मैंने कमिश्नर सर को फ़ोन किया, कमिश्नर सर ने मैं शिंदे साहब के पास में वो केस भेजा, उन्होंने बोला कि आप उनसे बैठ के जो भी है आपके टेनेंट्स के साथ में जो भी है कॉम्प्रोमाइज़ करके बात करके ख़त्म करें, उन्होंने मेरे को ऐसा बोला है। ठीक है, जिस आपके जो टेनेंट है जो 20 से 25 लोग हैं आप इनको घर कब तक देंगे बना के, क्योंकि इनको जो है काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, इनके पास घर नहीं है, आपके पास से भाड़े भी नहीं मिल रहे हैं ऐसा उनका आरोप है, तो आप कब तक जो है घर बना कर देंगे? मैं इनको इनको बोलो कि आप अपना पेपर लेके आए घर का जो उनका एग्रीमेंट है डॉक्यूमेंट्स वो लेके आए, मैं 1 महीने में प्लान पास करा के इनको घर बना के दे दूंगा। उन लोगों का कहना है कि आप बोले 40 साल पुराना जो है पेपर रहेगा तो मैं दूंगा घर,
अब ये इनको ये नहीं समझ में आता है, ये मेरे पास एक एग्रीमेंट लेके आते हैं 2 पेज का 3 पेज का, बोलते हैं ये मेरा घर है, तो क्या टीएमसी में ये एक्सेप्ट होएगा? जब बिल्डिंग खाली कराई थी तो उस वक्त आपका काम नहीं था कि पेपर सबका देखना, किसका पेपर सही है किसका नहीं सही है, आपको देखना चाहिए? हमने वो खाली नहीं कराया, टीएमसी म्यूनसिपालिटी ने खाली कराई है, क्योंकि वो धोखादायी बिल्डिंग थी, अधिक धोखादायी बिल्डिंग थी, वो म्यूनसिपालिटी ने खाली कराई है। बाद में वो जगह मेरे ही नाम पे थी तो मैंने उसको डेवलप करने के लिए लिया था। भाड़ा 5 साल 6 साल से कंटिन्यू दे रहे हैं हम इनको, अभी भी ये 6 आदमी जो है सारा ने इनको 6 महीने का भाड़ा देने के बाद भी आज 2 महीने का 3 महीने का एडवांस दिया है इनको। टीएमसी के तरफ से आप लोगों को क्या आश्वासन मिला, आखिर बिल्डिंग वो बनेगी या 7 साल का वक्त गुजर गया, कब बनेगी, कब मिलेगा? 2 महीना और जाएगा प्लान पास होने के लिए। ये जो इनके पास जो डॉक्यूमेंट आप बोल रहे हैं कि जो पेपर लेके आए, ये बोल रहे हैं 2 महीने में बन काम चालू हो, तो बराबर ये सही बोल रहे हैं ना? कैसे है कि अगर वो पेपर लेके आते हैं मेरे को, आज पेपर ला के दे अपना सब, मैं 1 महीने में प्लान पास करके 2 महीने में काम चालू कर दूंगा। ये बात तो आपने 2-3 महीना पहले भी बोली थी। पेपर ला के दिया ही नहीं ना मेरे को, ये लोग ने वकील से पुलिस स्टेशन में अर्जी भेजा है कि भाई ये लोग हमको भाड़ा नहीं दे रहे या जो भी है, उसका जवाब मैंने उनको दिया है कि आप उनको बोलो कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स ला के दे मेरे को दे, मैं 1 महीने में प्लान पास करा के आपकी बिल्डिंग चालू करता हूँ, मैं लिया ही बनाने के लिए। तो लेकिन 7 साल का वक्त कुछ होता है, अभी तक वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ पत्रा घेर के आप छोड़ दिए उसमें। सही बात है ना, तो क्यों आखिर 7 साल का समय कुछ टाइम होता है, कुछ वैल्यू होती है। इनकी इन्हीं की वजह से, मेरी वजह से नहीं हो रहा है, मेरा जो सेल एग्रीमेंट सेल बिल्डिंग है जो मेरे को बेचने वाला है वो मेरा पास हो रहा है, लेकिन ये टेनेंट्स का जो है इनका पास नहीं हो रहा है। इनको बोलो कि इनका जो डॉक्यूमेंट्स है घर का वो एग्रीमेंट वो बराबर ला के मेरे को दे, मैं 1 महीने मैंने पास कराया तो बोलो आप मेरे को 5-6 साल से भाड़ा भी बराबर दे रहे हैं हम इनको। हम लोग ने पूरा भाड़ा क्लियर करे ले, एडवांस पैसा दिए ले और 10-10 हज़ार रुपये भी एक्स्ट्रा इनको दिए ले हमने खर्चा पानी के लिए, पूछ लो उनको बुला के। किसको दिए आप? ये सुफियान है, ये है चारों जन को, इससे पहले जो सामान भी डाले थे उन लोगों ने साइड पे उसका 10 हज़ार रुपये लिए, तीनों ने 10-10 हज़ार अलग लिए और 2,042 हज़ार रुपये इनको दिया मैंने एक्स्ट्रा भाड़े के अलावा, मेरे पास राइटिंग में आप आके देख सकते हो। 7 साल से बिल्डर ने इन्हें घर से बेघर कर दिया है और अब कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सही नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे में कौन सही है और कौन गलत है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।